यूरी सेक्टर का लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस नियंत्रण रेखा के भीतर देश में अमन चैन नियंत्रित रहे, इसलिए मुस्तैद हैं सेना के जाबाज जवान। साल पहले आज ही की रात यानी 28-29 सितंबर की दरमियानी रात भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था और पाकिस्तान के भीतर चल रहे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उसी सर्जिकल स्ट्राइक की 5वीं सालगिरह पर भारत में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए सीमा पार से आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। हमें मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार टेरर लॉन्च पैड पर करीब 150 से 200 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। 18 सितंबर को उरी सेक्टर में घुसपैठ की पहली कोशिश की गई, इसके बाद 23 सितंबर को दोबारा, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। इसके बाद भी कई कोशिशें हुई, जिसकी वजह से आज भी वहां सर्च ऑपरेशन जारी है। जाहिर है घुसपैठ की साजिश नाकाम होने से आतंकिया का बौखलाए हुए हैं। है कि मुझे विंटर से पहले इन्फिल्ट्रेशन कंप्लीट करने की कोशिश है। नंबर्स कम हो गए हैं कश्मीर वादी के अंदर, लोकल टेररिस्ट बन नहीं रहे उनके पास, सिचुएशन अच्छी है, पीस स्टेबिलिटी है। ये सब चीज़ें देख करके जो सेपरेटिस्ट हैं या पाक पॉक्सीज हैं, ये थोड़ा सा नाखुश हैं। मे बी इसकी तरफ ये उनका ध्यान है। पूरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा का ये इलाका आतंकी घुसपैठ का बड़ा अड्डा है। उस पार पीओके में तमाम आतंकी शिविर हैं। दहशतगर्दी का ये कैंप पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में चलता है। पाकिस्तानी फौज की आड़ में ही ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन देश के जांबाज जवानों के सामने उनकी हर साजिश नाकाम हो जाती है। तो इनकी कॉम्प्लिसिटी है पाकिस्तानी मिलिट्री कमांडर्स की, एटलीस्ट एट द लोअर लेवल, ये तो पक्का यकीनन है। क्योंकि इस तरह फ्री हरकत करना किसी हथियारबंद आदमी का और LC पे पार जाने की कोशिश करना अपने आप तो मुमकिन नहीं है। फरवरी से जो सीज़फायर हुआ था उससे लेकर के एक महीने पहले तक एक्चुअली जो एक्टिविटी LC के ऊपर थी काफ़ी कम थी। सुना आपने, जाड़े से पहले बड़ी घुसपैठ की साजिश रची जा रही है, लेकिन इस बार भी सेना के मुस्तैद जवान गोलियों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं।